हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में जो है हमने मार्कोवन बॉक्स के बारे में डिस्कस किया था कि जब किसी भी आइडियल सब्सटेंस को कोई अनसिमेट्रिकल अल्किन या अल्काइन में ऐड करते हैं तो उसका नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का उस कार्बन पे जाके जुड़ता है जहां पहले से हाइड्रोजन की संख्या कम होता है, या इसी का उल्टा कि आयनिक सब्सटेंस का जो पॉजिटिव पार्ट है वह डबल बॉन्ड का उस कार्बन पे जाकर के जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो यह था मार्कोवनिक ऑप्शन। अब जो है इसमें आ जाता है एंटी मार्कोवनिक ऑप्शन, परऑक्साइड इफेक्ट, या इसी को बोला जाता है खराश इफेक्ट। क्या होता है, देखिए रिएक्शन हमने यहां लिखा है अल्किन, ऑब्वियसली यह अनसिमेट्रिकल अल्किन है, अनसिमेट्रिकल अल्किन, क्योंकि डबल बॉन्ड का जो दो कार्बन है दोनों कार्बन का डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैचमेंट है, जैसे इस कार्बन में दो हाइड्रोजन है, इस कार्बन में एक हाइड्रोजन एक अल्काइल ग्रुप है, तो यह अनसिमेट्रिकल अल्किन हुआ। अब यदि यह अनसिमेट्रिकल अल्किन में HBr का एडिशन करें हम आयनिक सॉल्वेंट मतलब वाटर हो अल्कोहल हो इस टाइप का सॉल्वेंट, तब जो यहाँ एडिशन होगा वह मार्कोवनिक ऑप्शन के अनुसार होगा। और मार्कोवनिक ऑप्शन के बारे में क्या बताया हमने कि H+Br-, तो पॉजिटिव पार्ट डबल बॉन्ड का उस कार्बन पे जुड़ता है जहाँ अधिक हाइड्रोजन होता है, और नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड का उस कार्बन पे जुड़ता है जहाँ कम हाइड्रोजन होता है, तो फिर ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन यही रिएक्शन में यदि हम लोग सॉल्वेंट चेंज कर दें, आयनिक सॉल्वेंट की जगह परऑक्साइड ले लें हम लोग, तो इस बार रिएक्शन उल्टा हो जाता है, मतलब अभी हाइड्रोजन कहाँ जुड़ा था जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन था, इस बार हाइड्रोजन डबल बॉन्ड का उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ कम हाइड्रोजन है, और ब्रोमीन वहां जुड़ेगा जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन है, तो फिर ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। तो चूंकि यह जो एडिशन हो रहा है वह मार्कोवनिक बॉक्स का उल्टा हो रहा है, इसलिए इसको लोग बोलते हैं एंटी मार्कोवनिक ऑप्शन। परऑक्साइड के चलते रिएक्शन रिवर्स हो गया, इसलिए परऑक्साइड इफेक्ट, और इसको ऑब्जर्व किए थे खराश नाम के साइंटिस्ट, इसलिए इसको बोला जाता है खराश इफेक्ट। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर जो परऑक्साइड है ना इसका क्या रोल है, कि परऑक्साइड आने से क्या हुआ कि रिएक्शन जस्ट रिवर्स हो गया, सॉल्वेंट का इफेक्ट इसमें दिखाया गया है। तो सबसे पहले परऑक्साइड का मतलब जाने कि जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, उस टाइप का केमिकल कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग परऑक्साइड बोलेंगे। वह परऑक्साइड इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, क्योंकि अभी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कंसर्न है, ऑब्वियसली ऑर्गेनिक परऑक्साइड की बात करेंगे, और उसमें से सबसे कॉमन जैसे बेंजोइल परऑक्साइड, परऑक्साइड के आने से क्यों रिएक्शन रिवर्स हो जाता है, इसी को जरा हम लोग अभी स्टडी करेंगे। देखें तो एक रिएक्शन लिखे RCHCH2+HBr और यहां परऑक्साइड रहेगा RCH2CH2Br। इस रिएक्शन को समझने के लिए जो ना हम मैकेनिज्म की बात करेंगे, मैकेनिज्म। तो यह जो रिएक्शन है मतलब परऑक्साइड के प्रेजेंस में HBr का एडिशन अल्किन में, यह एक फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन मतलब इसमें जो रिएक्शन में एडिशन होता है वो फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल मतलब ऐसे केमिकल स्पीशीज जिनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन हो या फिर अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो। तो सबसे पहले जो हम लोग परऑक्साइड लेते हैं ना, स्टेप वन जिसको हम लोग बोलते हैं चेन इनिशिएशन, मतलब चेन का शुरुआत कैसे होता है कि जो परऑक्साइड हम लोग लेते हैं, सपोज बेंजोइल परऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो चेन इनिशिएशन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड है जिसको परऑक्साइड बॉन्ड बोलते हैं, या परऑक्साइड बॉन्ड काफी वीक बॉन्ड होता है,
आसानी से जो है बॉन्ड क्लीव करेगा, इसका बोमोलाइटी प्रेशर होगा, बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन लेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन लेगा। होमोलाइसिस हो रहा है बॉन्ड का, होमोलाइसिस। और होमोलाइसिस होकर के क्या बनेगा, बेंजीन सी डबल बॉन्ड ओ, ओ और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ऐसा, इतना पार्ट हो जाएगा। बेंजीन सी डबल बॉन्ड ओ फिर ऑक्सीजन, दोनों के पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा जो बॉन्ड क्लीव किया है उसके बदले में, ऐसा इधर भी वही चीज बना, इधर भी वही चीज बना, तो इसका डायरेक्ट दो मोल लिख सकते हैं एंड दिस इज बेंजोइल परऑक्साइड। इसको हम बोलते हैं रेडिकल इनिशिएटर। रेडिकल इनिशिएटर मतलब यही जो है रिएक्शन को शुरुआत करेगा, रिएक्शन को स्टार्ट करेगा। अब क्या होगा कि जो रेडिकल इनिशिएटर बनाया ना, मतलब बेंजोइल परऑक्साइड ऐसा, यह परऑक्साइड कंबाइन करेगा HBr से। तो HBr के बीच पर जो है स्पॉन का होमोलाइसिस भी होगा। इसके पहले जो हम लोग पब्लिक ऑप्शन देख लेते हैं ना, इस बॉन्ड का हेट्रोलाइसिस कर देते हैं हम लोग, मतलब ये बॉन्ड का पूरा इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन लेकर के नेगेटिव चार्ज आ जा रहा था हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, इस बार वैसा नहीं होगा, इस बार यहाँ जो इसका होमोलाइसिस होगा, मतलब इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन जो है ऐसा, यहाँ जो दो इलेक्ट्रॉन है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आ जाएगा लेकर के ऑक्सीजन के साथ, और एक इलेक्ट्रॉन यहां ब्रोमीन के पास बचा हुआ रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये बेंजीन सी डबल बॉन्ड ओ और यहां ओ ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन और इधर से हाइड्रोजन आएगा एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो दो इलेक्ट्रॉन से बीच में बॉन्ड बन जाएगा और यह हो जाएगा OH और यहां एक ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो है सो बच जाएगा। ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो है ना बच गया। अब इस सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, तो स्टेप टू चेन प्रोपगेशन, चेन प्रोपगेशन, चेन प्रोपगेशन कहने का मतलब कि अब चेन आगे कैसे बढ़ेगा। यहां चेन इनिशिएट किया, शुरुआत किया, शुरुआत करके ब्रोमीन फ्री रेडिकल का निर्माण हुआ, अब यह ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो है आगे बढ़ाएगा रिएक्शन को, उसी को चेन प्रोपगेशन बोलेंगे। तो यहां से जो है हमने लिया था अल्कीन, अब इस अल्कीन में हम लोग को जोड़ना है ब्रोमीन फ्री रेडिकल। इस तरह से नंबरिंग करते कार्बन का, ये वन टू, ये जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है ना डबल बॉन्ड का दोनों कार्बन में से किसी भी कार्बन में जुड़ सकता है, आइदर कार्बन नंबर वन और कार्बन नंबर टू। मान लिया है इसको कार्बन नंबर वन पर जोड़ते हैं, यहाँ कार्बन नंबर टू पे ऐड करते हैं, तो यदि इसको कार्बन नंबर वन पे ऐड करेंगे कैसे एडिशन होगा, ये जो यहाँ डबल बॉन्ड है इस पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन पर कर दें, एक इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन पर कर दें, तो एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन लेकर के आएगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पर, दो इलेक्ट्रॉन से कार्बन के साथ बॉन्ड बन जाएगा CH CH2 Br और इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहेगा। उसी प्रकार से यदि ब्रोमीन को कार्बन नंबर 2 पे ऐड करें हम लोग, वैसा R CH Br जो जाएगा CH2 और एक इलेक्ट्रॉन यहां बच जाएगा ऐसा। अब जो यहां आया है यह 2 डिग्री कार्बन है, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इस तरफ होगा, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, और यहां तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आया है 1 डिग्री कार्बन पे है, तो ये वह 1 डिग्री फ्री रेडिकल, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में जो है मैंने बताया है कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल जो है ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री फ्री रेडिकल की तुलना में, तो ऑब्वियसली यदि फ्री रेडिकल जो है प्रीडोमिनेंट अमाउंट में बनेगा, कहने का मतलब कि ब्रोमीन जो है उस कार्बन पे जुड़ रहा है जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, ऐसा करने के बाद जो फ्री रेडिकल बनेगा वह ज्यादा स्टेबल होगा। और फाइनली जो है स्टेप थ्री में या इसी स्टेप में जो है 2 डिग्री फ्री रेडिकल जो बना है CH2Br
या HBr का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा, और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कैसे कंबाइन करेगा, तो यहाँ जो बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन आ जाएगा इस जगह पे, और एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन, क्या जाएगा RCH2, एच पे हम बोलेंगे CH2, फ्री हो गया CH2 Br प्लस ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो है सो बाहर होता है। और लास्ट में इसमें हम एक स्टेप लेते हैं, स्टेप थ्री में क्या होता है, चेन टर्मिनेशन मतलब रिएक्शन एंड करेगा, चेन जो है समाप्त होगा। कैसे होगा, कि जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना है ऐसा दो ब्रोमीन फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन कर जाता है, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन ही देगा, एक इलेक्ट्रॉन ही, और दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा ऐसा Br, मतलब बन गया Br। सो दिस इज द रिएक्शन, आई एम मेकिंग दिस रिएक्शन। इस पूरे मैकेनिज्म में जो है ना, दो बात हम लोग को जो है कंसीडर करने लायक है। सबसे पहला कि इस रिएक्शन में जो एडिशन होता है वह फ्री रेडिकल का एडिशन होता है, और बात की जो फ्री रेडिकल का एडिशन होगा तो सबसे पहले जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनता है इसका एडिशन होता है, उसके बाद फिर यहां से हाइड्रोजन फ्री रेडिकल का एडिशन होता है। तो जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हम लोग देखे, कोई भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जनरली तीन स्टेप्स में ही होते हैं। सबसे पहला स्टेप में चेन इनिशिएशन, मतलब चेन इनिशिएट करता है रिएक्शन, शुरुआत होता है पेप्टाइड के प्रेजेंस में। सेकेंड स्टेप में जो है चेन का प्रोपगेशन, मतलब रिएक्शन आगे बढ़ेगा, चेन आगे बढ़ेगा प्रोडक्ट की ओर। और फाइनली स्टेप थ्री में चेन टर्मिनेशन, मतलब चेन एंड करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस दरमियान जो अभी हमने देखा एंटीमोनोटॉपिक और एडिशन या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट, तो इसमें जो है सबसे पहले रेडिकल इनिशिएटर क्या कर रहा था, ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना रहा था, वही ब्रोमीन फ्री रेडिकल अल्कीन से एंड करके जो है अल्काइल फ्री रेडिकल बनाया, और वह मोर स्टेबल अल्काइल फ्री रेडिकल। और लास्टली जो है वह अल्काइल फ्री रेडिकल HBr से हाइड्रोजन फ्री रेडिकल लेकर के फाइनल ब्रोमो मॉलिक्यूल बना दिया, और लास्ट में दो ब्रोमीन फ्री रेडिकल आपस में मिल करके Br2 मॉलिक्यूल बना दिया। अब यदि पूछा जाए कि मार्कोवनी कॉम्ब और एंटी मार्कोवनी कॉम्ब में क्या अंतर है, तो सबसे पहला अंतर कि जो मार्कोवनी कॉम्ब रूल है वह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, उसमें इलेक्ट्रोफाइल या फिर यू हम लोग बोले कि पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीशीज का एडिशन पाले होता है H+, जबकि एंटी मार्कोवनी कॉम्ब एडिशन जो है वह फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसमें किसी आयनिक स्पीशीज का एडिशन नहीं होता है, बल्कि इसमें फ्री रेडिकल का एडिशन होता है। मार्कोवनी कॉम्ब रूल जो है आयनिक सॉल्वेंट में होता है, जबकि एंटी मार्कोवनी कॉम्ब का एडिशन जो इसमें होता है वह पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है। उसके बाद कि जो मार्कोवनी कॉम्ब है, तो मार्कोवनी कॉम्ब में हम लोग क्या देखते हैं कि वहां पहले एडिशन हो रहा था हाइड्रोजन का, बाद में एडिशन होता था ब्रोमीन का, लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ ब्रोमीन का एडिशन पहले हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन इसमें बाद में हो रहा है। मार्कोवनी कॉम्ब रूल में जो है आप HCl का एडिशन कर सकते हो, HBr का एडिशन कर सकते हो, HI का एडिशन कर सकते हो, तीनों में से किसी भी हाइड्रोजन एटम का एडिशन कर सकते हो HCl को छोड़ करके, लेकिन एंटी मार्कोवनी कॉम्ब एडिशन में ऐसा नहीं है। जो एंटी मार्कोवनी कॉम्ब एडिशन या फिर जो पेरोक्साइड इफेक्ट है वह केवल और केवल एप्लीकेबल है HBr के लिए। जो उल्टा एडिशन होता है मार्कोवनी कॉम्ब की तुलना में वह केवल HBr के लिए HCl और HI के साथ एंटी मार्कोवनी कॉम्ब रूल एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है उसी का डिस्कशन अभी हम लोग करेंगे। उसके लिए बात और याद रखना है कि एंटी मार्कोवनी कॉम्ब का एडिशन तभी होगा जब पेरोक्साइड रहेगा। क्यों? क्योंकि पेरोक्साइड के कारण ही फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है। आयनिक सॉल्वेंट होगे तो उसमें फ्री रेडिकल नहीं बन करके आयनिक स्पीशीज बन जाएगा, और उस केस में मार्कोवनी कॉम्ब का एडिशन फॉलो होगा। लेकिन यदि हम लोग पेरोक्साइड लेते हैं तो फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा, तब रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से आगे प्रोसीड करेगा। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आती है जो मार्कोवनी एंटी मार्कोवनी कॉम्ब का एडिशन है वह HBr के लिए ही क्यों एप्लीकेबल है, HCl और HI के लिए क्यों नहीं। तो HCl
HF का रिएक्शन नहीं पढ़ते हैं तो इसके बारे में पहले ही डिस्कस करके रखा है मैंने। अब यहाँ यदि हम लोग देखें तो क्या हमने पढ़ा है कि ऊपर से नीचे आने पर जो है एटम का साइज इंक्रीज कर रहा है, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन, और हाइड्रोजन का साइज बढ़ रहा है कि जो बॉन्ड लेंथ है वह भी इंक्रीज करेगा, ऐसा बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, और जो बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली इसका स्ट्रेंथ घटेगा, बॉन्ड का स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, और जब बॉन्ड का मजबूती घट रहा है तो इसका रिएक्टिविटी बढ़ेगा, रिएक्टिविटी इंक्रीजेज, रिएक्टिविटी इंक्रीजेज ऐसा। अब देखिए तीनों को कंपेयर करके तो HCl का बॉन्ड जो है ना सबसे मजबूत हुआ। अब HCl का बॉन्ड इतना मजबूत होता है कि जो हम लोग यहाँ परोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं ना वह परोक्साइड इस बॉन्ड को तोड़ नहीं पाता। तो जब परोक्साइड इस H और Cl के बीच के बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएगा तो जाहिर सी बात है कि रेडिकल का निर्माण नहीं होगा, और जब तक रेडिकल नहीं बनेगा रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगा। तो परोक्साइड चूंकि एक ऑलमोस्ट नॉनपोलर सॉल्वेंट है, नॉनपोलर सॉल्वेंट का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है काफी कम होता है, बॉन्ड को तोड़ नहीं पाता है वह, तो यहाँ बॉन्ड का क्लीवेज नहीं हो पाएगा, फ्री रेडिकल का निर्माण नहीं होगा, तो रिएक्शन आगे प्रोपगेट नहीं करेगा। HI की बात करें तो HI का तो बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी कम है, तो परोक्साइड तो इस बॉन्ड को आसानी से तोड़ देगा और तोड़ करके फ्री रेडिकल बना देगा, H फ्री रेडिकल, I फ्री रेडिकल। लेकिन ये जो परोक्साइड है और HI है तो परोक्साइड काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, HI काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट का, काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है HI और परोक्साइड होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो होता क्या है कि परोक्साइड इस HI को ब्रेक जरूर करता है ऐसे, लेकिन फिर होता क्या है कि HI में जो आयोडीन फ्री रेडिकल मिल बना है ये दो आयोडीन का फ्री रेडिकल मिल करके बना देता है I2, मतलब रिएक्शन के दरमियान फ्री रेडिकल रहेगा ही नहीं, फॉर्मेशन हो सकता है लेकिन स्टे नहीं करेगा वह फ्री रेडिकल, और आयोडीन का दो फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन करके जो है आयोडीन मॉलिक्यूल का निर्माण कर देगा। मतलब यदि HI के साथ परोक्साइड का इस्तेमाल किया जाए तो यह HI कन्वर्ट हो जाएगा I2 में, HI में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1 और I2 में हो जाएगा 0, तो इसका -1 से 0 हो गया मतलब ऑक्सीडेशन नंबर पड़ गया ना, ऑक्सीडेशन हो गया इसका, तो यह ऑक्सीडेशन किसके द्वारा होगा, परोक्साइड के द्वारा, इससे परोक्साइड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, यह परोक्साइड HI को ऑक्सीडाइज कर दिया किसमें, I2 में। तो HCl के बॉन्ड को ब्रेक ही नहीं कर पाया परोक्साइड, और HI के बॉन्ड को ब्रेक तो कर दिया लेकिन ऑक्सीडाइज कर दिया HI को इसमें I2 में। अब बीच में हम लोग का बचा HBr, तो HBr ही स्टैंड बचा, इसका बॉन्ड ना तो बहुत ज्यादा मजबूत है और ना ही बहुत ज्यादा कमजोर है, तो HBr जो है रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं कर सकता है इसके जैसा HI के जैसा, मतलब HI जितना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है आसानी से ऑक्सीडाइज बना रहा है उतना आसानी से HBr ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो तीनों को ओवरऑल मिलाकर के देखें तो HBr ही सबसे सुटेबल होता है परोक्साइड के लिए, या फिर एक मोस्ट स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन यदि हम लोग देखना चाहें इसका तो क्या होगा, तो एक थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी को हम लोग बोलते हैं किप्स फ्री एनर्जी, किप्स फ्री एनर्जी। डेल्टा एच इज द एंथैल्पी चेंज, टी इज द टेम्परेचर एंड डेल्टा एस इज द एंट्रोपी चेंज। अब ये जो सभी टर्म्स हैं गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी, सारे टर्म्स के बारे में डिस्कशन किया होगा हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में, तभी हम इन सब के बारे में डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। बस फिलहाल इस इक्वेशन से लोगों को समझना क्या है कि यह जो इक्वेशन है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यह इक्वेशन किसी भी रिएक्शन के फिजिबिलिटी को बताता है कि वह रिएक्शन होगा या नहीं होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब रिएक्शन अपने आप होगा या नहीं होगा। इसके लिए याद क्या रखना है कि डेल्टा जी का वैल्यू यदि नेगेटिव हो
तो वह प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस मतलब रिएक्शन फिजिबल है, होगा आसानी से। और यदि डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो वह रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस होगा मतलब बहुत ज्यादा फिजिबल नहीं है, नॉट फिजिबल, नॉट फिजिबल। इसीलिए सब समझना ही सब याद रखना है कि यदि किसी भी केमिकल प्रोसेस का या फिर फिजिकल प्रोसेस का गिब्स एनर्जी चेंज नेगेटिव आता हो तो वह स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, फिजिबल होगा, आसानी से प्रोसीड करेगा। और यदि इस डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव हो तो वह नॉन स्पॉन्टेनियस, अपने आप रिएक्शन नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं कि नॉट फिजिबल, रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अभी डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, इसमें सब लोग क्या देख रहे हैं, ये जो डेल्टा एच और टी डेल्टा एच है दो अलग अलग टर्म है। तो टी डेल्टा एच जो है वह नेगेटिव टर्म है, इसके पहले नेगेटिव का साइन लगा हुआ है, लेकिन डेल्टा एच पॉजिटिव टर्म है ऐसा। तो ऑब्वियसली प्लस माइनस का यदि हम इस्तेमाल करें तो ओवरऑल रिजल्ट माइनस ही आना है। लेकिन यदि इस डेल्टा एच का वैल्यू ज्यादा हो टी डेल्टा एच से, तो इस केस में जाहिर सी बात है कि डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। या टर्म बड़ा हो या टर्म छोटा, मतलब प्लस फाइव माइनस थ्री, तो ऑब्वियसली प्लस टू आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा इसका। लेकिन यदि डेल्टा एच का वैल्यू छोटा हो उससे, इस तरह से डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एच, तो वैल्यू उसका क्या आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है। मतलब डेल्टा जी बराबर मान लें कि यहाँ जो है प्लस टू है, यहाँ माइनस थ्री, तो ओवरऑल इसका माइनस वन आ जाएगा, मतलब नेगेटिव आ जाएगा। तो डेल्टा एच ग्रेटर देन होगा टी डेल्टा एच से, तो डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव। हाँ, यदि डेल्टा एच का वैल्यू कम हो टी डेल्टा एच से, तब डेल्टा जी का वैल्यू आएगा नेगेटिव। या फिर हम लोग डायरेक्टली ऐसा बोलते हैं कि जो डेल्टा एच है उसका वैल्यू भी नेगेटिव आ जाए, डेल्टा एच का वैल्यू भी रहे नेगेटिव में और यहाँ टी डेल्टा एच भी है नेगेटिव में, तो यहाँ का भी टर्म हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ भी हो जाएगा नेगेटिव, तो डेल्टा जी का वैल्यू भी क्या दिया जाएगा, नेगेटिव ही जाएगा ऐसा। अभी डेल्टा एच चूंकि इंथैल्पी चेंज है, तो डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। कि यदि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हीट इवॉल्व हो रहा है, तो डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव आना है। और यदि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो डेल्टा एच का वैल्यू वहां पॉजिटिव आना है। तो हम लोग को ओवरऑल याद करना है कि डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो नेगेटिव आने से डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा और वह स्पॉन्टेनियस और एक प्रकार का फिजिकल है, फिजिकल प्रोसेस होगा, मतलब आसानी से होगा। तो अब इसमें क्या हम लोग को ध्यान देना है कि अभी जो हमने देखा था कि अल्कीन जब लिए थे ऐसा, तो सबसे पहले इसमें जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल था उसका एडिशन हो रहा था और ये बन रहा था इस टाइप का अल्काइल फ्री रेडिकल ऐसा। और दूसरा केस में क्या देखे थे कि वह जो अल्काइल फ्री रेडिकल बन रहा है ये फिर कंबाइन किया था HBr से और ये बन रहा था हम लोग का प्रोडक्ट ऐसा। तो यहाँ दो दो बार, एक बार जो है सो बॉन्ड बन रहा है ब्रोमीन का कार्बन के साथ, और यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है वह हाइड्रोजन का बन रहा है कार्बन के साथ। यहाँ ब्रोमीन जाकर के इस पर जुड़ा और यहाँ हाइड्रोजन जाकर के इस पर जुड़ा। क्योंकि दोनों केस में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो एंथैल्पी चेंज करेगा। मान लें कि यहाँ जो एंथैल्पी चेंज कर रहा है वह डेल्टा एच वन है और यहाँ जो एंथैल्पी चेंज कर रहा है वह डेल्टा एच टू के बराबर है ऐसा। मतलब जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना ब्रोमीन के साथ तब वह डेल्टा एच वन मान लें, और जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा है उसको हम डेल्टा एच टू मान लें। अब जो है बीआर को यहाँ हम लोग थोड़े जनरली कोई हाइड्रोजन है, कोई भी हाइड्रोजन, जनरल हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं एक्स लेकर ऐसा। अब क्या कंडीशन है इसमें, हाइड्रोजन एसिड हो सकता है, HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HI भी हो सकता है। यहां मान ले डेल्टा H1 और यहां मान ले डेल्टा H2 ऐसा। तो यदि हम लोग HCl का इस्तेमाल करें तो HCl का इस्तेमाल करने से क्या होगा कि जो यहां पहला प्रोसेस होगा हाइड्रोजन का एडिशन, इसमें वैल्यू आ जाएगा पॉजिटिव और सेकेंड वाला वैल्यू रहेगा नेगेटिव।
HBr लेंगे तो पहले प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज करेगा वह भी नेगेटिव होगा और सेकेंड स्टेप में जो चेंज करेगा वह भी नेगेटिव होगा। और यदि HI का एडिशन करें तो जब पहला स्टेप होगा मतलब जब आयोडीन का एडिशन होगा तो उसका वैल्यू आता है नेगेटिव, लेकिन जब हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो उसका वैल्यू आएगा पॉजिटिव। तो इस डाटा से एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है या इससे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि HCl या HI के केस में हम देख रहे हैं कि एंथैल्पी चेंज का एक पॉजिटिव वैल्यू भी आ रहा है और डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव हो जाने का मतलब कि जरूरी नहीं कि गिव जनरेटर का नेगेटिव आए, रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। लेकिन HBr के केस में हम क्या देखें ना कि इसमें दोनों वैल्यू नेगेटिव है, ऐसा जब ब्रोमीन का एडिशन होगा फिर भी एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है और जब हाइड्रोजन का एडिशन होगा तब भी जो एंथैल्पी चेंज है वह नेगेटिव है। तो केवल HBr के केस में जो दोनों स्टेप्स है वह एक्सोथर्मिक है मतलब हीट एनर्जी इवॉल्व होगा, तो ओवरऑल इस केस में जो डेल्टा H का वैल्यू है वह नेगेटिव ही आएगा। तो डेल्टा G जो है नेगेटिव डेल्टा H माइनस नेगेटिव P डेल्टा S, तो इसका वैल्यू भी ओवरऑल नेगेटिव आएगा। और यदि डेल्टा G का वैल्यू नेगेटिव हो तो दिस इज द फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन मतलब यह रिएक्शन आसानी से होगा। बहुत ही स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन है क्या कि क्यों एंटी मार्कोवनिक ऑप्शन केवल HBr के साथ एप्लीकेबल है, HCl और HI के साथ एप्लीकेबल नहीं है। इसका बात हमने दो तरीके से एक्सप्लेन किया, एक कि परऑक्साइड जो है वह HCl के गुणों को तोड़ ही नहीं पाता है, HI को ऑक्सीडाइज कर देता है, और दूसरा इस गिब्स एनर्जी चेंज के आधार पर कि HBr के केस में ही जो एडिशन होता है ब्रोमीन फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल का दोनों एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव आता है जो कि एक थर्मोडायनामिकली फेवरेबल प्रोसेस है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाता है। लेकिन यदि HCl या HI का इस्तेमाल करें तो इन दोनों केस में जो है कोई एक ऑब्जेक्ट हो जा रहा है इंडोथर्मिक, डेल्टा एच पॉजिटिव, और उस केस में जो है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं बन पाएगा। अब जो एक बात और यहाँ पे है कि जब मार्कोवनिक ऑप्शन का मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया था तो उस केस में सबसे पहले यहाँ एडिशन हो रहा था हाइड्रोजन का, उसके बाद एडिशन हो रहा था हैलोजन का। लेकिन एंटी मार्कोवनिक ऑप्शन में ऐसा नहीं है, एंटी मार्कोवनिक ऑप्शन में पहले एडिशन हैलोजन का बाद में एडिशन हाइड्रोजन का। तो यदि हम ऐसा करें कि हाइड्रोजन का एडिशन यहाँ पहले करें, ऐसा अभी क्या देख रहे हो कि जब HBr लिए तो इस केस में जब हम लोग पहले एडिशन किए किसका ब्रोमीन का तो इसका वैल्यू नेगेटिव आया था। लेकिन यदि हम ऐसा करें कि RCH डबल बॉन्ड CH2 HBr लेके चले और इस हाइड्रोजन का एडिशन पहले जो है हम लोग यहां पे करें इस केस में तो RCH2 और ये फ्री रेडिकल हो जाएगा सपोज ऐसा। तो जब हाइड्रोजन का एडिशन पहले करेंगे ना तो यहां डेल्टा H का वैल्यू आ जाता है पॉजिटिव, मतलब हीट एनर्जी यहां जो है एब्जॉर्ब हो जाता है ऐसा। तो यहां भी देखे थे कि HBr में दोनों तो नेगेटिव आता है, लेकिन दोनों नेगेटिव कब आएगा जब पहले ब्रोमीन का एडिशन करोगे बाद में हाइड्रोजन का एडिशन करोगे। अब यदि तुम पहले हाइड्रोजन का एडिशन कर दे रहे हो तो ई जो है यहां पॉजिटिव आ जाएगा और पॉजिटिव आ जाएगा मतलब इससे ही सबके जैसा हो जाएगा, हर अपने अपने कंडीशन हम लोग के पास आ जाएगा। तो ब्रोमीन का एडिशन पहले करना है क्योंकि इस केस में डेल्टा H का वैल्यू जो है नेगेटिव आता है जो कि आसानी से रिएक्शन को आगे बढ़ने में मदद करता है थर्मोडायनामिकली फेवरेबल केस। तो जो भी मैकेनिज्म लिखा जाता है ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस के आधार पे लिखा जाता है, प्रत्येक स्टेप का कुछ ना कुछ ड्राइविंग फोर्स होता है जो बताता है कि यह रिएक्शन आगे क्यों प्रोसीड कर रहा है या इसी तरह से ही आगे प्रोसीड क्यों कर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों मार्कोवनिक ऑप्स या एंटी मार्कोवनिक ऑप्स दोनों। एक बात याद रखना है कि जो एंटी मार्कोवनिक ऑप्स है वह केवल और केवल एप्लीकेबल है HBr के लिए, HCl और HI के लिए एप्लीकेबल नहीं है। HCl और HI में यदि सॉल्वेंट को परऑक्साइड दे दें फिर भी एप्लीकेबल नहीं है, वह केवल HBr के लिए एप्लीकेबल है। एग्जामिनेशन में जो है इससे क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आता है, ऐसा कोई यकीन दिया हुआ रहेगा और इस तरह का जो है रिएक्शन सीक्वेंस HBr यहां होगा HBr परऑक्साइड, सपोज यहां अल्कोहल दिया हुआ है तो इस सॉल्वेंट से पहचाना होगा, यहां सॉल्वेंट पहचानो यहां इस सॉल्वेंट को, तो
परोक्साइड। तो परोक्साइड देखते ही समझ जाना है कि यहाँ एंटी मार्कोवी बॉक्स लगाना है और यहाँ जो है सो मार्कोवी बॉक्स लगाना है। अब इस डबल कोन के दो कार्बन को देखें तो इस कार्बन का चार बॉन्ड है, एक दो तीन चार, और इसका देखें एक दो तीन, ऑब्वियसली यहाँ एक हाइड्रोजन होगा। मार्कोवी बॉक्स क्या बोल रहा था कि जहां ज्यादा हाइड्रोजन होगा वहां उसका पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन जुड़ेगा और जहां कम है वहां ब्रोमीन, मतलब ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, यहां जुड़ जाएगा ब्रोमीन और यहां जुड़ेगा हाइड्रोजन ऐसा। लेकिन परऑक्साइड मतलब एंटी मार्कोवी बॉक्स, मार्कोवी बॉक्स का उल्टा हम लोग काम करेंगे, तो इस केस में जो है फिर Br जुड़ जाएगा नीचे, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा यहां और इस तरह का प्रोडक्ट, यहां हो जाएगा H और यहां हो जाएगा Br, दोनों केस में डिफरेंट होगा। तो एक साथ दोनों को पढ़ो, बहुत सारा डिफरेंस हमने बताया मार्कोवी बॉक्स एंटी मार्कोवी बॉक्स में। नोट्स में भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ एकेडमिक एग्जाम में चाहे फिर कंपटीटिव एग्जाम में उसके लिए, तो आप लोग अच्छे से इसको देखो, नोट्स से पढ़ो और समझने का प्रयास करो। धन्यवाद।